हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की, क्या सीखने वाले हैं नया, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर हम करेंगे कोडिंग। और यहां पर सीधा सीधा मैं मेन फंक्शन बना लेता हूं। तो ये मेन फंक्शन मैंने बनाया, एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। अब हम एक कैर नाम का डेटा टाइप लेने वाले हैं। सी लैंग्वेज में कैर डेटा टाइप होता है, पाइथन में भले ना होता हो। और यहां पर s और यहां पर एक एरे बना रहे हैं जिसकी साइज हम रख रहे हैं 10, ठीक है। यानी इसमें 11 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। यानी s नाम से कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया, s नाम से कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है s, ठीक है। और उसकी साइज हमने रख दी 10, समझ आई बात। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंटफ, क्योंकि सी लैंग्वेज में तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ ही लिखा जाता है। और यहां पे लिख देता हूं एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे किसी का नेम हो गया, फ्रूट नेम हो गया, ठीक है, या कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग कहलाता है। और यहां पे इसे टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करके जैसे ही नीचे आएंगे तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, स्कैनफ लगाते हैं। स्कैनफ अगर हम नाम एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, स्कैनफ। इन ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लगाऊंगा गेटस, क्या लगाऊंगा, गेटस, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहां पे क्या देना है हमें, यहां पर हमें देना है s, s को प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने s ही तो दिया है, s नाम से वेरिएबल बनाया, तो इसी को प्रिंट करवाएंगे। यहां पर टर्मिनेट करेंगे और प्रिंट करवाएंगे तो यहां पे आप लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है। तो ये लिख दिया प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह हमने लिख दिया गेटस, ठीक है। और चूंकि हमने यूज किया स्ट्रिंग ना, इसलिए हमने गेटस लिख दिया। अगर हम स्ट्रिंग नहीं यूज कर रहे होते तो गेटस नहीं लिख पाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर हम इंटीजर लिखते हैं तो परसेंट डी प्रयोग करते हैं, अगर हम फ्लोट लिखते हैं तो परसेंट एफ लगाते हैं। लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, तो यहां पे लगाएंगे परसेंट एस। ये केवल स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, केवल और केवल स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहां पे दे देते हैं एस, यानी एस को करवा देते हैं प्रिंट। तो ये एस हमारा प्रिंट हो जाएगा और यहां पर इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं क्या होता है। यहां से जाके कंपाइल पे क्लिक करता हूं, यहां पे पहले सेव करेंगे इसको, तो यहां पे str.i.c के नाम से सेव करता हूं। तो ये सेव हो गया और कंपाइल भी हो गया। और यहां से क्या करना है, अब आपको बिल्ड पे जाके रन करवा देना है। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, तो यहां पर str.ing छूट गया है, ये n लगा लिया हमने। अब यहां पे एंटर अ स्ट्रिंग आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आ रहा है। तो यहां पर कोई एक स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे, पहले इसको क्लोज करता हूं, दोबारा से एक बार रन करवा देता हूं। तो कंपाइल तो कर ही चुके हैं, ये से करके रन करवा दिए, तो देखिए ये पूरा स्ट्रिंग आ गया। अब यहां पे एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया RAM, तो राम जो नाम है इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, तो ये स्ट्रिंग हुआ कि नहीं। और एंटर करेंगे तो यहां पे राम प्रिंट भी हो जाएगा। तो यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवाना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। परसेंट एस का क्या यूज हुआ, अब आपके समझ में आया होगा कि परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या यूज होता है और गेटस क्यों लगाते हैं सी लैंग्वेज में। क्लियर, ओके।